भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मच अवेटेड फिल्म थलाइवी का पहला सॉन्ग चली चली सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस गाने को 2 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। इस गाने के साथ ही कंगना ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और एक्ट्रेस रही दिवंगत जे जयललिता की पहली फिल्म में उन पर फिल्माए गए इस गाने को एक बार फिर से जीवंत कर दिया है। बता दें कि फिल्म थलाइवी जयललिता की ही बायोपिक है। खास बात तो ये है कि कंगना ने गाने में बड़ी ही खूबसूरती से खुद को जयललिता के किरदार में निभाया भी है। इस गाने के लॉन्च के बाद से ही फैंस उन्हें खूब बधाइयां भी दे रहे हैं। इस खबर के बारे में ज्यादा डिटेल में जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ कीर्ति राजौरा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कंगना की फिल्म का सॉन्ग चली चली जयललिता की पहली फिल्म वेनियारा अड़ाई से लिया गया है। जयललिता की ये फिल्म साल 1965 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। इस गाने में उनकी उम्र महज 16 साल थी। पुराने गाने की ही तरह कंगना को भी वैसा ही लुक दिया गया है जैसा कि जयललिता ने पिछले गाने में निभाया था। इस गाने के रिलीज होने के बाद से ही अब फैंस उन्हें पूछ रहे हैं कि क्या जयललिता अपने डेब्यू सॉन्ग में इतनी खूबसूरत थी। इन सवालों पर कंगना ने जवाब दिया कि वो जया माँ की खूबसूरती को कहीं से मैच नहीं कर सकती हैं। बता दें कि कंगना की इस धमाकेदार फिल्म का ट्रेलर 23 मार्च को उनके बर्थडे के मौके पर चेन्नई और मुंबई में एक साथ रिलीज किया गया था। ट्रेलर में उनके कैरेक्टर की जो झलकियां दिखाई गई उसे फैंस ने बेहद पसंद किया था और अब फिल्म के पहले गाने के लॉन्च के साथ ही उन्हें खूब बधाइयां भी मिल रही हैं। साथ ही कंगना के एक्सप्रेशंस और अदाओं की भी खूब तारीफ हो रही है। ये गाना 3 भाषाओं में लॉन्च हुआ है, इसमें हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा शामिल है। वहीं डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने भी उन्हें इस गाने के लिंक शेयर करते हुए बधाई दी है। राम गोपाल वर्मा ने लिखा, यादों और आधुनिक गरिमा को समेटे हुए जया फिर से लौट आई है। मेगा टैलेंटेड कंगना रनौत की आकर्षित करने वाली एक्टिंग से थलाइवी का गाना और भी असरदार हो गया है। बता दें कि राम गोपाल वर्मा ने थलाइवी के ट्रेलर रिलीज होने के बाद भी कंगना रनौत से तारीफ की थी और उनसे माफी मांगी थी। कंगना रनौत ने इस गाने से जुड़ा एक वीडियो 3 अप्रैल को ट्वीट कर शेयर किया है। खास बात तो यह है कि ये वीडियो उनके फैन क्लब ने एडिट किया है। फैन क्लब ने इसमें कंगना की जयललिता की तरह परफॉर्म करने की तारीफ भी की है। वीडियो को स्पेशल हेडर भी दिया गया जिसमें लिखा था, रियल थलाइवी वर्सेस रियल थलाइवी। इस वीडियो में कंगना रनौत की चली चली सॉन्ग में जयललिता की पहली फिल्म के सॉन्ग में किए गए उनके परफॉर्मेंस को भी दिखाया गया है। कंगना ने इस गाने को शेयर करते हुए लिखा, बहुत ही प्यारा एडिट है। जया माँ यहाँ 16 साल की थी, पहली बार उन्होंने अपनी इच्छाओं के खिलाफ कैमरे को फेस किया था और ऐसा इसीलिए क्योंकि अपने परिवार में सिर्फ वही अकेली कमाने वाली थी। कंगना ने आगे लिखा, जब मैं इस गाने के लिए शूटिंग कर रही थी तो मेरे दिल में ये इस यंग छोटी लड़की का विचार आ रहा था जिसके पास स्कॉलरशिप तो थी लेकिन वह पढ़ नहीं सकती थी। इसके साथ ही कंगना ने इसे एडिट करने वाले फैन को भी क्रेडिट दिया। बता दें कि कंगना की फिल्म थलाइवी 23 अप्रैल 2021 को इसी साल रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी में एक साथ जी स्टूडियोज द्वारा रिलीज किया जाएगा। कंगना के बाकी वर्क फ्रंट की बात करें तो थलाइवी के अलावा धाकड़ और तेजस भी उनकी आने वाली फिल्में हैं जिन्हें लेकर वो खूब मेहनत भी कर रही हैं।